मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के उद्यमी लगाएंगे राज्य में टेक्सटाइल यूनिट। सशस्त्र सीमा बल में 10वीं पास के लिए निकाली बहाली। मनोज वाजपेयी ने राजनीति में एंट्री का बताया सच। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किए परीक्षा केंद्रों के जिलेवार कोड। रोहित ने छक्कों से लगाई रिकॉर्ड की झड़ी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खास सुविधा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ बनाने की तैयारी को लेकर नए नए कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। इन कोर्स में एडमिशन जल्द शुरू हो जाएंगे। नए सत्र में 1500 से अधिक सीटें बढ़ गई हैं। पिछले सत्र में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 9300 से अधिक सीटें थी, लेकिन सत्र 2022 से 23 में एडमिशन के लिए 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 10,865 सीटों पर एडमिशन होना है। इसके अलावा गया व वैशाली के 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में 540 सीट और LANMU के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा में 30 सीटों पर एडमिशन होगा, यानी कुल 11,435 सीटों पर एडमिशन होना है। सशस्त्र सीमा बल में 10वीं पास के लिए निकाली बहाली। मैट्रिक पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल सशस्त्र सीमा बल ने SSB GD कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें खास बात यह है कि यह डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, इसके लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। SSB जोड़ी डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक सशस्त्र सीमा बल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹100 का भुगतान करना होगा। पटना और राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलने वाली ट्रेनों में लगेगा कोच। इंडियन रेलवेज के पूर्व मध्य रेल पटना एवं राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलने वाली अपने 12 जोड़ी ट्रेनों में उन्नत और आधुनिकतम वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी का एक एक कोच लगाएगा। यह सुविधा पटना से 24 सितंबर से जबकि कोटा से 25 सितंबर से शुरू आकर दी जाएगी। नए वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी का किराया नियमित वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की तुलना में लगभग 8% कम है। इसके साथ ही वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में सुगम प्रवेश द्वार, पर्सनल रीडिंग लाइट, प्रकाशमय बर्थ इंडिकेटर्स, अपर बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक सीढ़ी, वहीं खाने पीने के लिए खास तरह का स्नैक टेबल, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट, अग्नि सुरक्षा हेतु विश्व स्तरीय मानकों का प्रावधान किया गया है। मनोज वाजपेयी ने राजनीति में एंट्री का बताया सच। पिछले दिनों एक्टर मनोज वाजपेयी ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि वह राज्य से अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं, जिस पर मनोज वाजपेयी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चंपारण की भूमि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ का हर संभव विकास ही मेरी इच्छा है। बता दें कि मनोज वाजपेयी ने कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीरामपुर भीतीहड़वा में अपने पिता स्वर्गीय राधाकांत वाजपेयी की में स्थापित पुस्तकालय का शिलान्यास किया। बिहार विधान परिषद में नया मुख्य सचेतक। बिहार विधान परिषद में सत्ताधारी दल के 4 MLC को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर बिहार विधान परिषद के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार बिहार विधान परिषद में संसदीय कार्यों के संचालन के लिए जदयू MLC संजय कुमार सिंह को मुख्य सचेतक, राजद MLC सुनील कुमार सिंह को उप मुख्य सचेतक और जदयू MLC नीरज कुमार एवं MLC रीना देवी को सचेतक मनोनीत किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किए परीक्षा केंद्रों के जिलेवार कोड। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 67वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के जिलेवार कोड जारी कर दिए गए हैं। यह नोटिफिकेशन BPSC की ओर से 23 सितंबर को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन राज्य के 38 जिलों में 1,153 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। BPSC ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के कुछ परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी किया है। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत नोटिस जारी किया गया है। 30 सितंबर को होने वाले इस परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड 20 सितंबर को जारी कर दिया गया था। पटना में जुटे देश भर के वकील। आज यानी कि 24 सितंबर 2022 को पटना के बापू सभागार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बिहार राज्य बार काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। इस समारोह में भारत के चीफ जस्टिस UU ललित, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के कई जज, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत अन्य जज समेत बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथिगण इसमें भाग लेंगे। इस सेमिनार का विषय समाज निर्माण में वकीलों की भूमिका और योगदान रखा गया है। इस राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर के वकीलों ने भाग लिया।
बिहार में ठंड का और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटे में अच्छी बारिश के आसार है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। IMD पटना के प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में ठंड का और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। साफ हिदायत दी गई है कि बरसात के समय घर से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने बताया कि आज शनिवार को आसमान में बादल छाया रहेगा। पटना में हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं हवा के झोंके 25 किलोमीटर पहुंच सकता है। दरअसल बिहार के निकटवर्ती राज्यों से ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिस वजह से बारिश होने के आसार जताए गए हैं। नगर निगम में जुलूस और सभा के लिए मिलेगी ऑनलाइन अनुमति। बिहार राज्य में नगर निगम व नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जुलूस सभा को लेकर उम्मीदवारों ने अभी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हालांकि इस बार नगर निगम चुनाव से जुड़े उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर प्रचार प्रसार के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पोर्टल जारी किया गया है। इसी पोर्टल पर अभ्यर्थी कॉर्नर में स्थित अभ्यर्थी के लिए लोग प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग तरीकों को लेकर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी की गई है। बिहार के उद्यमी लगाएंगे राज्य में टेक्सटाइल यूनिट। बीते दिन गुरुवार को बिहार के रहने वाले और मुंबई में काम कर रहे 21 उद्यमियों ने उद्योग विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने बिहार स्थित ढाका, मोतिहारी एवं अन्य दूसरी जगहों पर नई कपड़ा इकाइयां लगाने की इच्छा जाहिर की है और कार्य योजना भी प्रस्तुत की है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी संभावना है। इस बात की जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पोंड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। कि इनके लिए कच्चे माल और बाजार का सर्वेक्षण कर लिया गया है। उम्मीद है कि 22 दिसंबर को यह यूनिट प्रारंभ हो जाएगी। इसमें काम करने वाले श्रमिकों को 5,000 रुपए तक हर महीने वेतन दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी पर बिहार में हमले की साजिश। ईडी के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि नरेंद्र मोदी पर पटना में एक बार फिर से हमले की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था। बता दें कि ईडी ने यह खुलासा पॉपुलर फ्रंट इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद किया है, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हालांकि जुलाई में ही संगठन पर बड़ी कार्रवाई हो गई थी। इस कार्रवाई में कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसमें इंडिया 2047 नाम से PFI का बुकलेट भी था। इस बुकलेट में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट भी था। लालू यादव ने दिया अमित शाह को चुनौती। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज यानी शनिवार को दिल्ली जाने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आने वाले चुनाव को लेकर अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सफाया हो जाएगा। साथ ही अमित शाह को लेकर भी कहा कि वे रिटायर हो जाएंगे, बिहार में अमित शाह को कामयाबी नहीं मिलेगी। दरअसल अमित शाह ने शनिवार को पूर्णिया में एक जनसभा में कहा था कि बिहार भाजपा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। बता दें कि लालू यादव 25 सितंबर को हरियाणा में भी विपक्षी दलों के एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह ने सीमांचल को दी बड़ी सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में अपनी सभा में सीमांचल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अब यहां के लोग सस्ती दर पर हवाई सफर कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा लगभग बनकर तैयार हो गया है और अब सस्ते हवाई जहाज से 12 जिले के लोग जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 रुपए देने का वादा किया था और आज मैं बिहार के विकास के लिए 1,35,000 का हिसाब लेकर आया हूं। नीतीश बाबू, अब आप अपना हिसाब दीजिए, कुर्सी बचाने के अलावा आपने क्या किया। रोहित ने छक्कों से लगाई रिकॉर्ड की झड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ो या मड़ो मुकाबले को भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा की बदौलत 6 विकेट से जीत लिया। रोहित शर्मा ने 46 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिला दी। इस दौरान उन्होंने 4 छक्के जड़े। इसके साथ ही वो T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल को पीछे छोड़ते हुए 176 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ही रोहित ने 4 चौके भी लगाए, यानी कुल 8 बाउंड्री। इस तरह वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच में रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जो कि इनके T20I करियर का 12वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी की गई कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 4,912 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 40 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 18 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 79,424 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 53 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, नन्नू कुमार, शिवनाथ सहनी, कुश कुमार यादव, संजय शर्मा, उमेश ऋषिदेव, कुलदीप कुमार,
प्रिंस पुरवई, परमात्मा सिंह, मुतु रंगीला, भान प्रकाश मौर्य, पवन सिंह, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, राकेश शर्मा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य में टेक्सटाइल यूनिट लगाने से आपके अनुसार लोगों को क्या फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।